अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत की। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में सांसद, विधायक, महापौर सहित आला अधिकारी उपस्थित रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों की शुरुआत रविवार को पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से की गई। इस महत्वपूर्ण कार्य में शामिल होने वाले दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर सांसद विजय बघेल, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा व रेल विभाग के आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां यहां पर दी गई। इस मौके पर मंच से सांसद विजय बघेल ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए इनके प्रयासों से देश के 500 से भी ज्यादा स्टेशनों का रेनोवेशन कर उसे नया रूप दिए जाने की बातें कही, जिसके तहत हर तरह की आधुनिक सुविधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईटेक रेलवे स्टेशन की सौगात आम जनता को मिल रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी किया गया। बता दें कि इस पुनर्विकास कार्यों के बाद बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथ ही यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ रोजगार बढ़ने की व्यापक संभावना विकसित भी होती दिखाई पड़ रही है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को जल्द ही मिलेगा। पूरे देश में 508 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशनों का निर्माण का शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कलम मुद्दा हुआ, और उसमें हमारा दुर्ग भी शामिल है, हमारा भिलाई पावर हाउस भी शामिल है। मैं उसके लिए पूरे दुर्ग लोकसभा के जन जन की ओर से, सभी भाइयों बहनों की ओर से, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी अपेक्षाओं के साथ कि आगे भी हम सब के बीच में जो भी ऐसी समस्या आएगी, जो भी कमियां आएगी, उसको हम प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के माध्यम से दूर करते रहेंगे, ये विश्वास भी मैं जनता को दिलाना चाहता हूँ। आज लगभग 25,000 करोड़ पूरे देश के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारी छत्तीसगढ़ में लगभग 7 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका नवनिर्माण पुनर्विकास होने जा रहा है। उसके लिए भी मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। देखिए, यह दुर्ग वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से यहाँ पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत ही, अब आप ये समझ लीजिए कि एयरपोर्ट जैसा स्टेशन हम लोगों को 2 साल में दिखलाई देगा। इसके लिए मैं जहाँ भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वहीं नरेंद्र मोदी जी का भी आभार मानता हूँ कि दोनों ने मिलकर इस स्टेशन को आगे बढ़ाने में, और न केवल यहाँ बल्कि और भी स्टेशनों का भी विस्तारीकरण हो रहा है, रायपुर का भी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जब हम यहाँ आएंगे तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे हम कहाँ आ गए हैं, ऐसा लगेगा कि हम किसी बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहुँच गए हैं, और है भी हमारी सिटी भी कोई कम नहीं है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खासकर हमारे मतदाताओं को, जिनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो सक रहा है। मैं हमारे रेलवे मंडल के अधिकारियों के प्रति आभार मानता हूँ, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का आभार मानता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन सब ने संयुक्त प्रयास किया, उसका परिणाम हमको दिखलाई दिया। नया स्टेशन बनने जा रहा है, दशकों बाद कुछ नया मिलने वाला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुर्ग शहर लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय विधायक अरुण वोरा जी के प्रयासों से दुर्ग शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे नेहरू नगर से मिनी माता हो, चाहे रोडे हो, चाहे थगड़ा बांध हो, बहुत से कार्य लगातार जारी है। उसी कार्यक्रम में आज रेलवे स्टेशन का भी उन्नयन होने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे शहर की जनता को बहुत बड़ा ये जो सौगात मिली है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।